हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे सबनागर मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलेक्स जूनियर सिरप, जिसकी जानकारी इस वीडियो में आज आपको पूरी ही मिलने वाली है। पूरी जानकारी हिंदी में देंगे, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, बॉडी पे कैसे काम करेगा, क्या क्या इसके यूजेस होंगे, कॉस्ट क्या होगी, पैकिंग क्या होगी, डोजेस क्या होगी, सारी ही चीज़ इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके और आपके फ्रेंड्स लोगों की हेल्प हो जाए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं एलेक्स जूनियर सिरप की। एलेक्स जूनियर सिरप जो है बच्चों की खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है, जो कि मैं आपको बता दूं, एक कॉम्बिनेशन सिरप है जिसमें दो कॉम्बिनेशन के सॉल्ट होते हैं। एक होता है डेक्सामेथोरफेन, दूसरा इसमें होता है क्लोरफेनामिन। डेक्सामेथोरफेन जो होता है ये एक एंटी टसिव, हम इसको बोलते हैं एंटी टसिव, जो होता है आपके बच्चे की खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, खांसी में ये पूरा काम करता है। दूसरा इसमें होता है क्लोरफेनामिन। क्लोरफेनामिन जो होता है वो साइनस में काम करता है, साइनस में यानी कि आप जैसे कि एलर्जी हो जाती है, एलर्जी से आंखों में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, उसमें काम करेगा। उसके बाद नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, उसमें काम करता है। या एंटी एलर्जिक कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें काम करता है, जिससे हमारी जो खांसी होती है उसमें भी एंटी एलर्जिक की वजह से होता है, एलर्जी की वजह से होती है। तो जो क्लोरफेनामिन है वो एंटी एलर्जिक है, एक तरह से हम इसको मान सकते हैं साइनस में, कि गले में इन्फेक्शन हो गया उसमें खांसी हो गई तो काम करेगा। वही डेक्सामेथोरफेन जो है वो अपना पूरा एंटी टसिव है, जो बैक्टीरियल उनको ख़त्म करेगा। इसकी डोजेज की बात करते हैं तो डोजेज आपकी जो है इसकी डॉक्टर से अपने से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। बाकी नॉर्मल इसकी डोज बच्चे की एज के ऊपर डिपेंड करती है, कि एज क्या है और उसके ऊपर क्या है। जैसे आपका बच्चा 5 साल का है तो इसकी डोज आप 4 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। पैकिंग जो इसकी होगी इस तरह की होगी, इसको 60 ml आपको सिरप मिलेगा। 60 ml सिरप में आपको एक कैप मिलेगा अंदर, जिसमें ml की अकॉर्डिंग डोज लिखी होती है। जैसे 2.5 ml, 5 ml, 10 ml इस पे लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी डोजेज दे सकते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा आप। इसकी कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी कंपनी जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का है, बहुत ही अच्छी पेटेंट कंपनी है। इसकी कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट जिसको मार्केट पे प्राइस इसका जो होता है 95 MRP इसकी आपको मिल जाएगी। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, हम भी आपको इसको प्रोवाइड करा देंगे। इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसका मेनली कोई ऐसा साइड इफेक्ट आता नहीं है, लेकिन ओवरडोज आप लेंगे तो इसका साइड इफेक्ट जरूर आएगा, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारी। तो ये थी एलेक्स जूनियर की जानकारी। एलेक्स जूनियर अगर सिर्फ वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।